तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारी प्यारी सुबह से सभी को मेरा नमस्ते। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आपके लिए के नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो जैसा कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, जब मैंने ब्लॉग एंड करा था तो मैंने लास्ट में कहा था कि मैं डुंडा जाऊँगा। तो एक नई लोकेशन से सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक नए ब्लॉग में। जस्ट मैं अभी अभी उठा हूँ सुबह से। ये मेरी तीसरी चाय है, मतलब बिस्तर के ऊपर। तो जस्ट मैं उठ के मैं फ्रेश हो गया और मैं आ रखा हूँ यहाँ। मैं पहले भी आया, आप लोग गेस कर सकते हैं। तो जिस नई लोकेशन पे मैं आया हूँ वो है भाभी का मायका। ये पीछे आप घर अगर कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो पहचान रहे होंगे। तो कल मैं यहाँ आया था अपने ससुर जी के साथ। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ डुंडा जाने के लिए। वैसे मुझे कल डुंडा जाना था लेकिन मैं यहाँ आया। और होप अभी तक आपने कल का ब्लॉग देख लिया होगा नामकरण का। और आशा करते हैं आपसे कि आप मेरे हर एक ब्लॉग देखते होंगे। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दिया। तो व्लॉग में बने रहना और व्लॉग को पूरा देखना, लाइक शेयर कर देना और जो चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आजकल इस पे फूल लगे थे, मतलब ये मैंने पहले भी दिखाया था जिस टाइम पे यहाँ पे माल्टे लगे थे। अब फिर से लगेंगे तो हम फिर से खाएंगे। तो अब पता नहीं कब आऊँगा मैं इधर। लेकिन तो व्लॉग मैंने आज यहीं से स्टार्ट करा है और ये जाके डुंडा में ख़त्म होगा। तो व्लॉग में बनी रही है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ डुंडा के लिए यहाँ से। और गाड़ी थोड़ा आज नीचे है तो थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है। पहले वहीं पे और दिन ऊपर पे ही गाड़ी होती थी तो वहीं पे बैठ जाते थे, लेकिन आज थोड़ी दूर पे है तो गांव से होते हुए मुझे जाना पड़ रहा है उधर के लिए। और अब एकदम मस्त मस्त वाइब आ रही है, मतलब मस्त सा हवा चल रही है, अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह। तो फाइनली मैं पहुंच गया अभी डुंडा। बहुत दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ आदित्य के घर में और एक स्पेशल वजह से आया हूँ, जैसा मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था। तो वो वजह क्या है मैं घर जाके बताता हूँ आपको। जस्ट मैं अभी पहुँचा हूँ। गाड़ी बहुत रुक रुक के आई क्योंकि सवारी उतर रही थी, बैठ रही थी। तो लगभग 1.5 घंटे लगे वहाँ से आने में। आधा घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में पूरा हुआ। तो अभी थकान सी लगी हुई और गैस टाइप का उल्टी करने का मन हो रहा है। तो फिलहाल मैं घर पे पहुंच के बात करता हूँ आपसे। अभी मैं पहुंच गया हूँ और आदित्य तो है नहीं घर पे, अभी पता नहीं कहाँ है। तो फिलहाल तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आते ही पहले नाश्ता भी बैग भी नहीं उतारा क्योंकि वहाँ से मैं जल्दी आया था ना, तो वहाँ मैंने नाश्ता नहीं करा था। मतलब रोटी खाई थी आधा और चाय पी थी। तो यहाँ आके मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अभी मामी भी घर में नहीं है और भी बहन लोग घर में नहीं है, आदित्य भी नहीं है इधर। तो अभी नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ खेत में आदित्य के साथ। तो जो काम था वो था कि मैं डुंडा आ रहा हूँ मजदूरी करने के लिए। थोड़ा बहुत काम करना है मुझे आदित्य के साथ क्योंकि अब उनका घर बनने वाला है ना। अभी तो नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कल से काम। तो उसी के साथ आया मैं कुछ दिन के लिए काम करने। वैसे ज़्यादा मेरी बस की नहीं है पर थोड़ा बहुत काम करता हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग काम पर ही होने वाला है। अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं थोड़ा खेत को देखने के लिए कि कहाँ पर बन रहा उनका घर और क्या क्या तैयारियां उन्होंने कल करी। तो कल रवि भी आ जाएगा इधर, 2-4 दिन हम काम करेंगे। तो हमने कुछ सोचा है घूमने का 20-22 तक। तो देखो प्लान तो बनाया है हमने, अब प्लान सक्सेस हो जाए तो देखते हैं। इधर जा रहे हैं हम थोड़ा कुछ हथियार लेने के लिए और वो रहा आदित्य बहुत दिनों के बाद मेरे व्लॉग में। तो उधर पर जाना है हमें, उधर काम करने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं ही और ये है। तो अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनका घर बनेगा। अभी तो घर बनने में टाइम लगेगा लेकिन काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो ये रोड का काफ़ी नज़दीक है, यहीं पे रोड है और यहाँ पे इनका जो भी घर बनेगा तो उसी की तैयारी के लिए मैं आया हूँ कि थोड़ा काम कर सकूँ। तो कल से इन्होंने काम लगाया क्योंकि कल शुभ दिन था ना। तो अब पूरा भगवान करे जल्दी हो जाए ये काम पूरा। तो फिलहाल हम काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना होगा हमसे। वैसे मैंने कभी तो करा नहीं है ऐसा काम दिहाड़ी मजदूरी वाला, पर फिर भी मैं आया हूँ इसकी हेल्प करने के लिए। तो कुछ इस तरह का है इनका सीन। अभी तो पता नहीं चल रहा होगा कि कैसा में बनेगा, अभी तो सिर्फ नाप छाप हुआ है। तो करते हैं काम, है ना। बाकी सब लग चुके हैं काम पे। ये भैया इतने पे ही कोमल जी खो रखी मिट्टी, जैसे कि आप देख सकते कि अभी अनुज भाई लग गया काम पे।
फाउंडेशन पूरी कर लिया, मतलब जितनी भी पड़ी रहती है बहुत सारी है, तो थकान भी लग गई है ना। मैंने तो कभी करा नहीं ऐसा काम, तो थक भी गया और ये हाथ पे छाला भी लग गया, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ इसकी हेल्प, इस बच्चे की हेल्प। तो फिलहाल थोड़ी देर करते हैं काम, 1 बजने वाले हैं तो 1 बजे के लिए हम घर जाएंगे, अभी 1 बजे नहीं 12 बजे। तो काम करते हैं, थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं। अभी थोड़ा रेस्ट टाइम है तो हमने एक कोल्ड ड्रिंक लाई है सानिया ने, सानिया को हमने थका दिया इधर उधर, तो सानिया हमारी बहन है सबसे छोटी वाली, तो आनंद लेते हैं इसका, थोड़ा थक भी गए हैं। उतनी मिट्टी का ढेर हमने वहाँ पर लगा दिया है, और अभी मैं और अदिति और सानिया ही है खेत में, और अदिति घर में हमारे लिए खाना बना रही है ना। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, दिन के 1:30 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत काम हमने करा। अब हम खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे 1 घंटा, और उसके बाद फिर से आएंगे। शाम के 4 बज चुके हैं और हम फिर से जा रहे हैं काम करने के लिए, और आज हवा नहीं हो रही है जैसा कि, तो जैसा कल तक शाम को मतलब काफ़ी हवा होती थी और बारिश भी, तो आज नहीं हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना जो थोड़ा बचा हुआ काम था आगे टाइम का बचा, तो अब तो काम ही काम है लेकिन थोड़ा आज के लिए, तो उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मैं और आदित्य। तो खेत में हम पहुंच चुके हैं और अब इनका जो नया वाला घर बनने वाला है वो यहीं रोड पे बनेगा, तो हमें आने में आसानी होगी। तो हम खेत में पहुंच चुके हैं और अपने हथियार हमने यहीं रखे थे आगे टाइम के। तो ये पानी की बॉटल आई है मैंने, क्योंकि पानी की काफ़ी नीड हो रही है यहाँ पे। आगे टाइम पे तो धूप थी तो पी रहे थे हम पानी। अभी आदित्य रेडी हो चुका है काम करने के लिए और हम इनके नए घर वाले लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो करते हैं काम स्टार्ट। और अब कुछ दिनों तक मैं यहीं हूँ, तो शायद क्या पता व्लॉग ना आए या ऐसे ही व्लॉग आए, तो लाइक कर देना हमारी मेहनत को। कैसे तो अभी भयंकर ही वाली बारिश लग रही है, आप देख सकते हैं, भयंकर नहीं पर थोड़ी बहुत। और इस बारिश में भी हम काम कर रहे हैं, हम मेहनती लोग, और जो आलसी लोग हैं वो वहाँ पीछे बैठ सके, जरा कैमरा घुमाइए, उनका कुछ काम नहीं है ना, वो आराम करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पे। चलो तो मारते हैं बेलचा। पर मिट्टी कौन सी मिट्टी यहाँ पर? बस बस।